हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफएससी चैनल। दोस्तों, एफएससी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, यहां पे लेकर आया हूं यूपी पीसीएस प्री की कट ऑफ के बारे में। यहां पे बहुत सारे लोग, साथ में आसपास के लोग तैयारी करते रहते हैं और उन लोगों से पूछ कर ही बताने पर ही ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ। तो यहाँ पर पूछा गया कि आप लोगों ने कैसा पेपर दिया और कैसा पेपर हुआ था। तो मोस्टली अटैम्प्ट बता रहे थे लोग 125 से 135 के बीच में क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए हैं, जिनमें क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं और कितने सही भी हो जाते हैं, क्योंकि तुक्का कितने लोग 50-50 कर लेते हैं और ऐसे में गलत और सही का आंकड़ा मिलता चला जाता है। तो कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। तो जनरल के लोग बता रहे हैं कि जनरल कट ऑफ कम से कम 95 से 105 के बीच में रुकने वाला नहीं है, यानी कि आप 95 के नीचे हैं तो ऐसा नहीं है दो चार नंबर नीचे हैं तो आप तैयारी ना करें मेंस की, क्योंकि 95 के आसपास हैं या फिर 105 के भी। अब ज़्यादातर रहेगा नंबर आपका, ज़्यादा नंबर है तो ज़रूरी है भाई आप मेंस की तैयारी करते रहेंगे, लेकिन यदि 95, यदि आप 90 के बीच में हैं तो भी आप तैयारी जारी रखिए, क्योंकि हो सकता है कि इसके नीचे भी बन जाए। एग्जैक्ट तो कोई भी नहीं बता सकता। तो इस वजह से दोस्तों, यहाँ पे ओबीसी की कट ऑफ की बात करें तो 90 से 100 के बीच में, एससी की बात करें तो 88 से 95 के बीच में, और एसटी की बात करें 80 से 90 के बीच में बताया जा रहा है। तो यहाँ इलाहाबाद के जो स्टूडेंट होते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छी आंकड़ा प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि दोस्तों पीसीएस की तैयारी के लिए इलाहाबाद ही एक ऐसा हब है जहाँ पे लोग बहुत सारे अनुभवी यहाँ पे बैठे हुए हैं और उनके द्वारा ही जो डिस्कशन हो जाता है मार्केट में या फिर अदरवाइज कहीं पे भी, तो उसी के आसपास में कट ऑफ का आंकड़ा लग जाता है कि हाँ इतने से इतने के बीच में रहने की उम्मीद है। अब ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट इसी के हिसाब से ही चलने वाले हैं आप, क्योंकि एक अनुमान लगाया जा सकता है कि हाँ इतने नंबर्स हमारे बन रहे हैं तो हम अपनी तैयारी जारी रखें। तो कई कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जो सेफ होते हैं कि हाँ मेरा 100+ है, मेरा हो ही जाएगा। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो दो चार नंबर पीछे रहते हैं, जैसे मान लीजिए जनरल का 88 आ गया तो थोड़ा कंफ्यूजन बना रहता है कि होगा कि नहीं होगा। तो आप तैयारी करते रहिए, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि हो गया तो ज़रूर आप मेंस देंगे। और इस बार यूपी पीसीएस की बात करें तो थोड़ा लेवल चेंज कर दिया था, क्वेश्चन को रिपीट नहीं किया था। इस बार न्यू क्वेश्चन ज़्यादा मिले थे स्टूडेंट को और इस वजह से थोड़े पेपर देने में कठिनाई हुई थी। तो यही आंकड़ा है दोस्तों, और आज की वीडियो यहीं पे दोस्तों समाप्त होती है। और भी कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उस पर चर्चा करके लोगों से पूछ के बताएंगे। और दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही अपडेट आपको मिलती रहेंगी एग्जाम से रिलेटेड।